Hello student, today I will tell you when's English Proverb in a Natural Science Book, Chapter 3, A Pot of Water. How long do you take in the shower? Do you think you should reduce the amount of time you take? Why? Read this story about Neeta and Babu and how they realize the importance of saving water. जिसमें हिंदी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. इसमें मोहिनी ने कहा, इस साल जो ये स्टोरी है उस बारे में है, मोहिनी में के बारे में. इसमें बताया जा रहा है कि आप स्नान में कितना समय लेते हैं, क्या आपको लगता है कि आप अपना समय कम करना चाहिए, क्यों. तो इस स्टोरी में नीता और बाबू के बारे में पढ़ेंगे हम और कैसे उन्होंने पानी के इम्पोर्टेंस को जाना. ओके, तो लेट स्टार्ट. इट वॉज ए हॉट डे. नीता स्टूड अंडर द शॉवर. जस्ट द वाटर स्ट्रीम्ड आउट फॉर अबव. द हीट हैड मेड हर लिस्टलेस एंड फेटिक फॉर ए लॉन्ग टाइम. शी स्टूड देयर आईज क्लोज लेटिंग द कूल rivulet drip down her shoulders. It was only when Babu, her brother, banged on the door that she realized she had taken too long. The moment Neeta stepped out, Babu heated from the bathroom quickly. He opened the tap full blast. The tap was full of the brim. Babu climbed in the bag and to splash water all around. It was while Neeta was combing her wet hair that the telegram came. Oh no, her mother said, Amma is ill and wants me there. We must catch the first train to Motipur. So, इसमें बोल रहे हैं बहुत गर्मी का दिन था. नीता शॉवर के नीचे खड़ी हो गई. ऊपर से पानी की धीरे धीरे जो धारा दी वो बहने लगी. गर्मी ने तुरंत उसे सुस्त और थका हुआ बना दिया था. बहुत जल्द, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक वो खड़ी रही अपनी आंखें बंद कर. ठंडी जो बारिश जैसी धाराएं आ रही थी उसको अपने कंधे पर जो टपक रही थी उसे वो आंखें बंद करके फील कर रही थी. जब उसके भाई बाबू ने दरवाज़ा खटखटाया तो उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत देर कर दी. जैसे ही नीता बाहर निकली, बाबू बाथरूम की ओर चला गया. दरवाज़ा खटखटाया था उसने. जब वो दरवाज़ा खुला तो जैसे ही वो बाहर गई वैसे ही बाबू जो उसका भाई था वो बाथरूम के अंदर चला गया. और जल्दी से उसने क्या किया, पूरा नल खोल दिया जिससे जो टब था पानी का वो पूरी तरीके से भर गया. बाबू अंदर चला गया उस टब में और चारों ओर पानी उसका स्प्लैश हो गया, फैल सा गया. जब नीता अपने गीले बालों में कंघी कर रही थी तभी उसे टेलीग्राम आया और वो बोलती है, ओह. उसकी माँ ने कहा, अम्मा बीमार है और मुझे वहाँ जाना चाहिए. हमें मोतीपुर के लिए पहली ट्रेन पकड़नी होगी. देयर वर सून ऑन देयर वे. मोतीपुर वाज ए स्मॉल विलेज वेयर हर ग्रैंडमदर लिव्ड. इट वाज After a long time that Neeta and Babu were going to the village. It was dark by the time they reached. Uncle, aunt and their daughters Shanti and Mohini meet them at the door. Grandmother is much better now, they said relieved. They all went to sleep. Neeta was suddenly awakened by the sound of voices. What's the matter? She queried. Is there all right? Everything seemed strange to her, for she had never slept in a mud-walled guest home before. She is scared, laughed Shanti. These city's people. Keep quiet, Shanti, her elder sister. Mohini scolded her and turned to Neeta. Go back to sleep, Neeta. We have to go. That is why we are up. Go where? Asked Neeta, surprised. तो नीता सरप्राइज हो जाती है. क्यों? क्योंकि जब वो
जहाँ उन्हें ट्रेन पकड़ के जाना था मोतीपुर, वहाँ जब वो लोग पहुँच जाते हैं, वे शीघ्र ही अपने रास्ते पर थे। मोतीपुर जो है एक छोटा सा गांव है था जहाँ उनकी दादी रहती थी। बहुत दिनों बाद नीतू और जो बाबू थे वो अपने गांव में जा रहे थे, तो उनके पहुँचने तक अंधेरा हो चुका था। उनके अंकल आंट और उनकी जो बेटियाँ शांति और मोहिनी थी वो दरवाजे पर उन्हें मिल गए थे। दादी अब बहुत बेहतर महसूस कर रही थी, उन्होंने कहा ऐसा, और राहत महसूस करते हुए ऐसा सब लोग फिर सो गए। अचानक आवाज़ हुई कुछ जिससे कि नीता की नींद खुल गई, तो वो सोचती है क्या बात है। वह रोते हुए बोली, क्या सब ठीक है? उसे सब कुछ अजीब सा लग रहा था क्योंकि वह पहले कभी मिट्टी की दीवार वाले छप्पर वाले घर में नहीं सोई थी। मैं डरी हुई है, शांति हंसी और वो कहती है, ये शहर के लोग। चुप रहो शांति, उसकी बड़ी बहन उसे बोलती है, मोहिनी ने उसे डांटा और नीता की ओर मुड़ी। सो जाओ नीता, हमें जाना है इसलिए हम ऊपर हैं। जहाँ जाना है? नीता ने आश्चर्य से पूछा कि कहाँ जाना है तुम्हें? पानी लेने के लिए हमें सूरज उगने और बहुत गर्मी होने से पहले ये करना होगा, मोहिनी ने समझाया। लेकिन अभी आधी रात है, नीता ने विरोध किया। तो वो बोलती है शांति कि लगभग सुबह हो गई है, ये बोलती है। क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? नीता ने मोहिनी से पूछा, तो कहती है बेशक अगर तुम चाहो। मोहिनी मुस्कुराई। वह क्या करेगी? शांति ने विरोध किया। उसे आने दो, वह माँ का बर्तन ले जा सकती है क्योंकि माँ आज व्यस्त है। तो बोलती है इसे पकड़ो नीता, और मोहिनी ने हाथ दिया। उसके पास पीतल का एक बड़ा बर्तन था। फिर क्या होता है, वो लोग निकल पड़ते हैं। नीता ने देखा जमीन सूखी सूखी थी, बुरी धरती पर दरारें पड़ गई थी और सब कुछ पीला दिख रहा था। टू फेच वाटर वी मस्ट डू इट बिफोर द सनराइज एंड इट बिकम टू हॉट, एक्सप्लेन मोहिनी। बट इट इज स्टिल द मिडल ऑफ नाइट, प्रोसेस नीता। इट इज ऑलमोस्ट डॉन, सेड शांति कॉन्टेम्प्टुअसली। मे आई ऑल्सो कम विद यू नीता, आस्क्ड मोहिनी। ऑफ कोर्स इफ यू वॉन्ट टू, स्माइल मोहिनी। वाट विल शी डू, शांति प्रोसेस्ड। लेट हर कम, शी कैन कैरी मा पॉट सिंस मा इज बिजी टूडे, मा इज बिजी टूडे। होल्ड दिस नीता, एंड मोहिनी हैंडेड हर ए बिग ब्रास पॉट। दे सेट आउट, नीता सादा ग्राउंड वाज ड्राई एंड प्रेस्ड, क्रैक देयर हेड फ्रॉम ऑन द ब्राउन अर्थ एंड एवरीथिंग वॉज येलो। वी हैव हैड नो रेन दिस ईयर, सेड मोहिनी। द वेल इन द विलेज ड्राइड अप टू, वी हैव टू गो टू लॉन्ग वे टू फाइन वाटर। आर नॉट देयर एनी टैप्स, नीता आस्क। नो, देयर वॉज ए टैंक क्लोजली बाई, इट हैड सम वाटर बट इट क्लोजली ड्राइड अप एंड टर्न इन टू स्प्लैश, मोहिनी एक्सप्लेन्ड। वेयर डू यू गो टू फेच वाटर, आस्क नीता। देयर इज ए लिटिल रिवर एट 4 मील अवे, इट इज लॉन्ग वॉक एंड वी गेट अप ट्राइड, मोहिनी स्ट्रगल्ड हर शोल्डर्स बट वॉट टू डू। सून द सन रोज हायर एंड ग्रेजुअली इट बिकम हॉटर। दे क्लाइम्ड ए स्मॉल हिलॉक एंड रैन डाउन इन टू ए वैली स्क्रोन विद रॉक्स। वेयर इज द रिवर, आस्क नीता। नीतास, वेयर इज द रिवर, मोहिनी ने कहा। इस साल हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है, गांव का कुआं जो है सूख गया है, हमें पानी ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना होगा। तो नीता ने पूछा कि क्या कोई यहाँ पे टैप नहीं है? तो वो कहती है नहीं, पास में एक टंकी थी उसमें थोड़ा पानी था लेकिन वह धीरे धीरे सूख गया और कीचड़ में बदल गया, मोहिनी ने समझाया उसे। आप पानी लेने कहाँ जाते हैं? नीता ऐसा पूछती है। तो बताते हैं 4 मील दूर एक छोटा सा नाला है, वह बहुत लंबा रास्ता है, मोहिनी ने कंधे उचकाते हुए कहा कि पर क्या करूँ,
जल्द ही सूरज ऊंचा हो गया और धीरे धीरे गर्मी बढ़नी शुरू हो गई। वे एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ गए और चट्टान से भरी घाटी में भाग गए। तो फिर नीता पूछती है कि नदी कहाँ है। दिस इज अ रिवर, इट इज जस्ट ए नैरो ट्रिकल ऑफ वाटर सैडली, दैट इज वॉट आई हैज बिकम सैड एज डिसमैट मोहिनी विथ मच डिफिकल्टी ली। दे मैनेज टू फिल द वेसल्स वैन दिस इज हैवी कैरीड नीता ट्राइंग टू लिफ्ट हर पॉट। वाट एल्स डिड यू एक्सपेक्ट सैड शांति स्टोनफुली। द लाउड स्क्रीम टू इंक्रीज विद ईच स्टेप नीता टुक। हर हैंड एंड शोल्डर बिगेन टू गेट क्रैम्प्स। शांति एंड मोहिनी हु हैड वॉक कॉन्फिडेंटली ए हैड टर्न अराउंड ए वेटेड इम्पेशेंटली फॉर हर। निराश मोहिनी ने कहा, यह नदी है, यह पानी का एक पतले धारा मात्र है। दुख की बात है कि यह ऐसी हो गई है। बड़ी कठिनाई से वह अपने बर्तन भरने में सफल रहे। वाह, यह भारी है। नीता अपना बर्तन उठाने की कोशिश करते हुए चिल्लाई। तो शांति उसको बोलती है, आपको और क्या उम्मीद थी। नीता के हर कदम के साथ बोझ बढ़ता जा रहा था, मतलब जो उसे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था। उसके हाथों और कंधों में क्रैम्प आ गए थे। शांति और मोहिनी जो आत्मविश्वास के साथ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे थे, वे मुड़ गए और बेसब्री से उसका इंतजार कर गए, क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे रह गई थी। शी इज सो स्लो, शी होल्डिंग अप सैड शांति। नीता फ्लैश बट कंट्रोल हर फीलिंग। शी स्लो बट बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू स्पिल हर प्रीशियस वाटर। सी टोज हर हेड एंग्रीली एंड द पॉट लस्ट। शी क्लस्ट इट डेस्परेटली बट द वाटर स्टोल्ज ओवर। शी गैप्स विद डिसमे। द पॉट हैड क्रैश टू द ग्राउंड एंड द वाटर स्टार्ट स्प्रेडिंग अराउंड द ड्राई अर्थ। वी शुड हैव नेवर ब्रॉट हर विद अस, शांति क्राइड। नीता वाज फ्रस्ट्रेटेड। यू विल सी, सी ट्राइड एज शी पिक्ड अप द वेसल। शांति ने कहा, वह बहुत धीमी है और हम रुके हुए हैं। नीता शर्मा गई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को पूरा कंट्रोल किया। वह केवल इसलिए धीमी थी क्योंकि उसकी कीमती पानी नहीं गिराना चाहती थी। उसने गुस्से से अपना सिर पटक दिया और बर्तन नीचे गिर गया। उसने उसे जोर से पकड़ लिया, लेकिन पानी जो था वो बहता गया। वह निराशा से हाँपने लगी। घड़ा जो था जमीन पर गिर गया था और पानी सूखी धरती पर फैल गया था। तो शांति रोते हुए कहती है, हमें उसे कभी भी अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। नीता घबरा गई। आप देखिए, बर्तन उठाते ही वह रो पड़ी थी। वेयर आर यू गोइंग मोहिनी, कैरेट मोहिनी। डोंट वेट, आई शैल रिटर्न सून, सेड नीता रनिंग बैक द वे दैट दे हैड कम। मोहिनी ट्राइड टू स्टॉप हर बट नीता डिड नॉट लिसन। शी रन फास्ट, नो लॉन्गर ट्राइड। शी फॉरगेट द हीट, शी रेज टूवर्ड द रॉक्स होपिंग द वाटर वॉज स्टिल देयर। इट वॉज थॉट द लेवल हैड गॉन डाउन। नीता फिल हर पॉट विद डिफिकल्टी। द सन ब्लेज ब्राइटर एंड शी बिगेन द लॉन्ग जर्नी बैक। परस्पिरेशन डिप डाउन हर फोरहेड। हर वेट क्लॉथ्स क्लंग क्लोज एंड द हॉट अर्थ बर्न हर फीट। बट विद स्ट्रिप हियर्ड कंट्रोल स्टेप शी वॉक्ड ऑन। मोहिनी वॉज आउटसाइड वेटिंग एनसिक्सली फॉर हर। शांति रन आउट वैन शी हियर्ड मोहिनी हैप्पी क्राई। शी इज बैक एज सी हैज ब्रॉट ए वाटर टू। देयर वॉज ए सरप्राइज इन शांति'स वॉइस एज वेल एज ए टिंक ऑफ रिस्पेक्ट विद ए साइन ऑफ सेटिस्फेक्शन। नीता फ्लॉप्ड ऑन द वुडन कोट। फिर वो नीता से कहती है, मोहिनी, कि आप कहाँ जा रही हैं। फिर वो बताती है, रुको मत, मैं जल्दी लौटूंगी। नीता ने उसी रास्ते से वापस भागते हुए कहा जिस रास्ते से वे आए थे।
मोनी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नीता नहीं मानी। वह तेजी से दौड़ी और अब वो थक भी नहीं रही थी और गर्मी को भूल चुकी थी। वह चट्टान की ओर दौड़ी, यह आशा करते हुए कि पानी अभी वहां था। हालांकि पानी का जो स्तर था वो थोड़ा नीचे था। नीता ने बड़ी मुश्किल से अपना बर्तन भरा। सूरज बहुत तेज हो चुका था और उसे वापस लंबी यात्रा शुरू कर दी। उसके माथे पर पसीना टपकने लगा, उसके गीले कपड़े चिपक गए और गर्म धरती ने उसके पैरों को जला दिया। लेकिन कठोर और नियंत्रित कदमों से वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। मोहिनी बाहर उत्सुकता से उसका इंतजार कर रही थी। जब शांति ने मोहिनी की खुशी भरी पुकार सुनी तो वह बाहर भागी। वह वापस आ गई और वह पानी भी ले आई। शांति की आवाज़ में आश्चर्य था, साथ ही सम्मान की भावना थी। With sign of satisfaction, Nita flopped on the wooden court. Then she thought, what a arduous task her two cousins performed, making all the way to the river miles away, searching for fast vanishing source of the water, then crying heavy pot. What a struggle it was, yet they did that ungrudgingly every day. Here, drink. You must be thirsty. Shanti thrust was a brass tumbler toward Nita. There was a smile of friendly approval on her face and her eyes twinkling warmly. Nita smiled back as she accepted the glass. Water was precious commodity, too precious to be wasted in just having a good time. No more would she stand for hours under the shower, nor would she allow Babu to play with water. Nita ने satisfaction की सांस ली कि वो लकड़ी की खाट पर लेट गई थी। फिर उसने सोचा, उसके दोनों चचेरे जो कजिन हैं उन्होंने भी एक कितना कठिन काम किया, मीलों दूर तक पैदल चलना, तेजी से जो पानी का जो स्रोत था, वो जो सोर्स था वो लुप्त हो रहा था, उसकी तलाश करना और फिर भारी बर्तन उठाना, यह कितना संघर्ष था। फिर भी उन्होंने हर दिन ऐसा कर देते हैं और वो बोलती है, ये लो पी लो, तुम्हें प्यास लगी होगी। शांति ने पीतल का ग्लास नीता की ओर बढ़ाया। उसके चेहरे पर मित्रतापूर्वक स्वीकृति की मुस्कान थी और उसकी आंखें गर्म जोशी से चमक रही थी। ग्लास लेते हुए नीता मुस्कुराई। पानी एक बहुमूल्य वस्तु है, इतनी कीमती कि उसे सिर्फ अच्छे समय बिताने के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब वह शावर के नीचे घंटों तक खड़ी नहीं रहेगी, ना ही बाबू को पानी को खोलने देगी जिससे वह देर तक खेल सके। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।